चैनल कैसे आप सब, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और थोड़ी थोड़ी मैं तैयार हो गई, अभी पूरी तैयार नहीं हुई हूँ, कुछ चीज़ें बाकी हैं वो कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे, और आप सभी को राधे राधे। तो थोड़ा तैयार हो जाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और मैं यहाँ बैठ गई हूँ पूजा करने, तो करवा माता की मैं चुनरी चढ़ा रही हूँ। और गणेश जी को मैंने सूत, मतलब यानी रक्षा सूत्र होता है ना, उसको चढ़ाया कपड़े के लिए, क्योंकि कपड़ा उनके लिए नहीं मतलब मैं लाई थी, तो रक्षा सूत्र भी चढ़ा सकते हैं, तो रक्षा सूत्र मैंने चढ़ाया। और ये मंदिर का डेकोरेशन आप लोग देख लीजिए कैसा लग रहा है, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और मुझे अपने मंदिर को डेकोरेट करना बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं हमेशा ऐसे ही सजा के रखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। यहाँ मैं माता रानी को टीका लगा रही हूँ, गणेश जी को लगा रही हूँ। सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी होती है, कोई भी पूजा हो, तो यहाँ मैं गणेश जी की पूजा की, उसके बाद करवा माता की पूजा कर रही हूँ। और हमारे यहाँ वैसे जो बाहर हैं बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, लेकिन शाम के टाइम वो मुरझा जाते हैं, तो मैंने इनसे रोज़ेस मंगाए थे। मैंने कहा था आते समय फूल लेते आना, तो उन्होंने 5 फूल तो जो गुलाब के हैं वो मुझे दे दिए कि चढ़ा दो भगवान को। 2 रोज़ जो है मतलब गुलाब जो है वो छुपा के रख दिया था इन्होंने, मुझे नहीं पता था कि ये सरप्राइज ऐसा कुछ देने वाले हैं। तो अच्छा लगा, मतलब गए होंगे शायद फूल की दुकान पे, तो उनको दिमाग में आया होगा कि चलो 2 गुलाब लेते चलते आएँ अपनी वाइफ के लिए। तो अच्छा लगा मुझे, फ़र्स्ट टाइम इन्होंने अपने से कुछ गिफ्ट दिया, वरना तो हमेशा हमें कोई कहना पड़ता है कि ये दो वो दो, नहीं तो अपने से लोग जल्दी नहीं दे। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इन्होंने अपने से सोचा कि हाँ चलो गिफ्ट करते हैं, तो अच्छा लगा मुझे। शादी से पहले इन्होंने बहुत सरप्राइज़ दिए मुझे, शादी के बाद तो बहुत रेयर ही हुआ होगा कि इन्होंने सरप्राइज़ दिया होगा, सब मुझसे पूछ कर ही सारा काम करते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है एक तरह से। लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा पूछना भी अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि सरप्राइज़ देना चाहिए हर हस्बैंड को अपनी वाइफ को। तो यहाँ उन्होंने रोज़ेस भी दिए, और अभी यहाँ मैं माता रानी को सारे श्रृंगार का सामान चढ़ा रही हूँ, नारियल चढ़ाई, केला चढ़ाई, बहुत सब कुछ जो भी चढ़ता है वो उनको चढ़ाया मैंने। तो कुछ इस तरह से हमने पूजा की और बहुत अच्छा लगा। तो चलिए आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आगे की वीडियो बहुत ही अच्छी और मज़ेदार होने वाली है, तो का पारण किया जाता है। इस दिन चंद्रमा के उदय होने की अत्यंत उत्कृष्ट और प्रतीक्षा की जाती है, जो इस दिन विलंब से उदय होता है। इस व्रत की में धातु या मिट्टी के करवा के उदय होने पर चंद्र अर्घ दिया जाता है। चीनी के करवा विशेष रूप में इन दिनों बाजारों में मिलते हैं। ये खाड़ के बने करवा, किसी धातु के बने करवा के साथ बहुओं के पीहर से ससुराल में मिठाई, फल, वस्त्र आदि के साथ भोजन जाते हैं, इसलिए इस व्रत का नाम। ओम जय करवा माता, सब जग की हो माता, तुम हो तुम ही रुद्राणी, यश तुम्हारा गावत जग के सारे प्राणी। ओम जय करवा माता, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जो नारी व्रत करती, दीर्घ आयु पति होवे, दुख सारे हरती। ओम जय करवा माता, होए सुहागिन नारी, सुख संपत्ति पावे, गणपति पे बड़े दयालु, विघ्न सभी ना से। तो यहाँ हमारी पूजा संपन्न होने के बाद मैंने सोचा एक रील्स बना लेती हूँ, तो रील्स बना ही रही थी, हस्बैंड रोज़ लेके आ गए, तो पहली बार उन्होंने सरप्राइज़ गिफ्ट दिया तो बहुत अच्छा लगा। और ऐसे हर हस्बैंड को अपनी वाइफ के लिए करना चाहिए मेरे हिसाब से। और इसके बाद चाँद निकल आया, तो मैं छत पर जा रही हूँ चाँद को देखने अपने चाँद के साथ, तो काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा करवा चौथ का व्रत गया हमारा।
तो चलिए अब मैं ऊपर भी पूजा कर लेती हूँ। कितने दिनों के बाद गई है पानी शायद गिर गया। मोटी की बच्ची है क्या? पूजा संपन्न होने के बाद हस्बैंड पानी पिला रहे हैं और पानी पीते ही जान में जान आ गई, क्योंकि भूख तो नहीं लगती थी दिन भर, लेकिन प्यास लगती है क्योंकि हम भूखे रह सकते हैं प्यासे नहीं रह सकते, ऐसा तो सभी को पता होगा। और थोड़ा सा पानी पी के, थोड़ा एक गिलास पानी बहुत अमृत जैसा काम करता है, काफ़ी अच्छा लगता है पी के उस टाइम पर। और उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी एक दो रील्स बनाई, रील्स बनाने के बाद हम नीचे गए और अभी मैं यहाँ पैर छू रही हूँ और बस यही माता से और चंद्र देवता से यही मांगती हूँ कि हमारी जोड़ी ऐसे ही बनी रहे। तो जिसने भी अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया जाके फॉलो कर लीजिए, पंडित अंकिता देवेश नाम से मेरी आईडी है। राधे राधे आप सभी को, बाय बाय।